हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु राव और आप सभी का स्वागत है मेरी रेसिपीज़ में। आज हम बना रहे हैं मसाला मठा, जिसे मसाला छाछ कहते हैं और मराठी में मठा भी कहते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। यहाँ लिया है मैंने छाछ, तो यहाँ मैंने अमूल छाछ लिया है, अदरक लिया है और पाउडर शुगर ली है, हरी मिर्च, रेगुलर नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया जिसे बारीक काट लिया है, और यहाँ नींबू का रस निकालते हैं वो वाला इक्विपमेंट लिया है। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम छाछ निकाल लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश छाछ रहता है और बिल्कुल खट्टा नहीं रहता है, और यहाँ हम बिल्कुल खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है छाछ। तो हमने इसमें छाछ निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और डाल देंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ पाउडर शुगर इसलिए ली है, अगर हम शुगर डालेंगे ना शक्कर डालेंगे तो वह जल्दी से मिक्स नहीं होती हैं, इसलिए हमने इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। और पाउडर शुगर आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो उसे और भी आप कम कर सकते हैं। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अदरक का रस। तो यहाँ मैंने लिया है जिससे हम नींबू का रस निकालते हैं, तो वही यूज़ किया है हमने अदरक का रस निकालने के लिए। तो मैंने अदरक को पहले अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और बिल्कुल फ्रेश वाला अदरक लेना है। यहाँ अदरक का रस हम डालेंगे मठे में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक का रस लिया ली यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच यूज़ हुआ है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने काटते वक्त में इसके बीज निकाल लिए थे, और डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया लगभग 1 TSP लेना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे अभी हम 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए, और इसे ठंडा ही सर्व किया जाता है, तो इसलिए इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 1 घंटा हो चुका है और बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, और अब इसमें डाल देंगे हम बूंदी। तो यहाँ मैंने रायते वाली बूंदी यूज़ की है, जिसे खारी बूंदी भी कहते हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी डालना है, और ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो बनके रेडी है हमारा मठा यानी मसाला छाछ। तो इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल लिए हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।